अरे शिनचैन, ये अचानक से इतना तेज भूकंप कहाँ से आ गया? अरे फ्रैंकिन भाई, भाई मैं भी देख रहा हूँ यार, अचानक से यहाँ पे इतना तेज भूकंप कहाँ से आ गया? ये तो पूरा लॉस सैंटोस से हिल रहा है। अरे शिनचैन, मुझे लग रहा है कि दुनिया का अंत आ गया। अरे फ्रैंकिन भाई, दुनिया का अंत नहीं आया यार, जल्दी देखो वहाँ पे आसमान से कुछ गिरा है यार। अरे एक सेकंड गाइस यार, वहाँ पे तो सच्ची में कुछ आसमान से गिरा है और मुझे तो ये कुछ रॉकेट टाइप लग रहा है। अरे फ्रैंकिन भाई देखो, भूकंप भी बंद हो गया। अरे हाँ शिनचैन, अब तो भूकंप भी बंद हो गया, लेकिन गाइस वो आसमान से आखिर गिरा क्या है? अरे फ्रैंकिन भाई, यहाँ से थोड़ी पता लगेगा यार, हमें उसके पास जाना चाहिए। लेकिन शिनचैन, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अरे फ्रैंकिन भाई, लेकिन हमको जाना तो पड़ेगा ना, क्या पता उसके अंदर क्या निकल जाए। अबे हाँ शिनचैन, गाइस एक काम करते हैं, शिनचैन और मैं उस रॉकेट के पास चलते हैं। लेकिन गाइस यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्योंकि इस रॉकेट के अंदर कुछ भी आ सकता है। अरे फ्रैंकिन भाई चलो तो यार, क्या पता हमारे काम की चीज उससे बाहर आ जाए। अबे शिनचैन बोल तू तो एकदम सही रहा है। गाइस एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से पत्थर के ऊपर से चलते हैं। अरे ये क्या, मैं तो नीचे गिर गया। अरे फ्रैंकिन भाई यहाँ से आओ, देखो यहाँ से मुझे ऊपर जाने का रास्ता मिल गया। अरे वाह शिनचैन बहुत बढ़िया, लेकिन एक सेकंड गाइस यार, इसके अंदर से तो बहुत ज्यादा धुआं आ रहा है, कहीं ये रॉकेट फटने तो नहीं वाला ना। अरे फ्रैंकिन भाई फालतू में मुझे भी मत डराओ यार, लेकिन उसके पास मत जाना, उसके अंदर कुछ भी हो सकता है। अरे हाँ शिनचैन, लेकिन गाइस ये रॉकेट किसका हो सकता है और ये आसमान से सीधा हमारे घर के पास कैसे आया? अरे फ्रैंकिन भाई, मैंने फैसला ले लिया यार, मैं इस रॉकेट के पास जा रहा हूँ, आखिर मैं भी तो देखूं ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। अबे शिनचैन बच्चा, अरे फ्रैंकिन भाई रुको यार, बहुत ड्रामे हो गए इस रॉकेट के। अरे गाइस वैसे डर तो मुझे भी लग रहा है, और एक सेकंड, अरे बाप रे बाप, ये क्या? भागो भागो भागो। अरे फ्रैंकिन भाई, इस रॉकेट के अंदर तो कुछ ज्यादा भयानक चीज है। अबे शिनचैन तूने ऐसा क्या देख लिया? अरे फ्रैंकिन भाई, उसके अंदर तो मॉन्स्टर है। शिनचैन भाई, तूने बोलने में बहुत देरी कर दी, क्योंकि वो सारे मॉन्स्टर हमें ही देख रही है। अरे बाप रे बाप, फ्रैंकिन भाई हमें जल्दी से यहाँ से भागना पड़ेगा। अबे हाँ शिनचैन, जल्दी मेरे पीछे आ। लेकिन वेट अ सेकंड गाइस यार, अगर इन एलियंस को हमें मारना ही होता तो ये तो अब तक हमें मार भी चुके होते। अरे फ्रैंकिन भाई, आप एकदम सही कह रहे हो यार, मुझे तो कुछ गड़बड़ लगती है। मुझे तो लग रहा है कि गलती से इनका रॉकेट हमारी अर्थ के अंदर आ गया और ये सारे क्रिएचर यहाँ पे अटक गए। अबे हाँ शिनचैन, गाइस ऐसा भी हो सकता है, हमें इन सब एलियंस की मदद करनी पड़ेगी, वरना लॉस सैंटोस की आर्मी वाले इन सबको जान से मार डालेंगे। लेकिन गाइस यार, ये क्या, जिस बात का डर था वही हुआ, यहाँ पे तो आर्मी वाले आ गए। वो लगता है कि इनको पहले से खबर थी कि वो रॉकेट अपनी धरती के अंदर आने वाला है। गाइस यार, लगता है कि ये सारे के सारे एलियन ये आर्मी वाले अपने साथ ले जाएंगे। अरे जवानों, वो देखो सामने, वहाँ पे वो रॉकेट क्रैश हुआ है। अब हमारी मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, जिसका हमने बहुत दिनों से इंतजार करा था वो हमारे सामने ही है। चलो जवानों, अरे बस करो, अपने ट्रक यहीं पे रोक दो, आपके रॉकेट के अंदर लेके जाओगे। अरे ये क्या, यहाँ पे तो इतने सारे एलियंस हैं, और ये क्या, लगता है कि ये इनका बॉस है। अरे तुम पागल हो गए हो क्या, अपना ट्रक पीछे करो, इनके ऊपर चढ़ाओगे। अरे बाप रे बाप, गाइस यार, ये सारी आर्मी वाले तो यहाँ पे आ भी गए। अरे बॉस ये क्या, ये एलियन का बॉस तो हमारी भाषा बोल रहा है। अरे अंकल, मैं आपको एलियन लगता हूँ क्या? अरे फ्रैंकिन भाई, पानी लेने कहाँ गए हो यार, जल्दी आओ वरना ये सारी आर्मी वाले हमें ले जाएंगे। अरे सारे के सारे मेरी शक्ल क्या देख रहे हो, एक एक एलियन को अपने ट्रक के अंदर डालो और जल्दी से अपने लैब की तरफ चलो। और ये क्या, इसी के साथ देखते ही देखते इन सभी आर्मी वालों ने शिनचैन और उन सभी एलियंस को अपने ट्रक के अंदर रख लिया और ये जा रहे हैं सीधा अपनी लैब के पास, जहाँ पे ये एलियंस के साथ कुछ करने वाले हैं। अरे फ्रैंकिन भाई, जल्दी हमें बचाओ। अरे गाइस यार, मैं उन सभी के लिए पानी लेने गया था, मुझे बहुत देर हो गई, अब मुझे जल्दी से शिनचैन और एलियंस के पास जाना पड़ेगा। शिनचैन, शिनचैन मेरे भाई, मैं पानी लेके आ गया। और एक सेकंड गाइस यार, ये सारे एलियंस और हमारा शिनचैन कहाँ पे गया? शिनचैन, शिनचैन मेरे भाई, तू कहाँ पे है? अरे गाइस, कहीं ये पानी के अंदर तो नहीं कूद गए सारे एलियंस? लेकिन गाइस, शिनचैन मुझे बता के जाता, ये सारे के सारे एलियंस गए का, और अपना शिनचैन भी मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा, कहीं इस तरफ पे तो नहीं है? अबे शिनचैन कहाँ गया तू? देख, अगर तू मेरे साथ प्रैंक कर रहा है तो जल्दी से बता दे, क्योंकि ये प्रैंक करने का टाइम नहीं है। अबे शिनचैन कहाँ है? गाइस यार एक सेकंड, मुझे यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि मेरे
मेरे चिल्लाने से अब तक शिनचैन आ जाता। और एक सेकंड, ये आवाज कहाँ से आ रही है? अरे ये तो रॉकेट के पीछे से आ रही है। अरे शिनचैन तू है क्यों? ये क्या गाइस यार, यहाँ पे तो एक एलियन है। लगता है कि गाइस मुझे पीछे से यहाँ पे कुछ हुआ है। मुझे इस एलियन से कैसे भी करके सारी बात पता करनी पड़ेगी। एलियन देख, अगर तू जो मुझे बता रहा है अगर वो सच है तो ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। गाइस यार, जब मैं पानी लेने गया था तो मेरे पीछे से वो सारे आर्मी वाले आए थे और वो अपने साथ शिनचैन और बाकी एलियंस को ले गए। अरे नहीं गाइस, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो गई। एक सेकंड, सबसे पहले हम लोग शिनचैन की लोकेशन ट्रैक करते हैं क्योंकि उसका फोन तो उसी के पास है ना। गाइस यार, वो आर्मी वाले तो अपने शिनचैन और बाकी के एलियंस को अपनी लैब में लेके जा रहे हैं जो कि अपने लॉस सैंटोस से बहुत ही ज्यादा दूर है। अरे एलियन के बच्चे, जल्दी मेरे पीछे आ, हमें जल्दी से अपने शिनचैन और तेरे भाइयों के पास जाना पड़ेगा। लेकिन तुम कैसे एलियन हो? तुम्हारे पास कोई पावर भी नहीं है। खैर छोड़ो गाइस, हमें जल्दी से वहाँ पे जाना पड़ेगा। और ये क्या, ये बाइक के ऊपर क्यों बैठ गया? अरे बुद्धू जल्दी से कार में बैठ। गाइस इसे बाइक की पड़ी है। तो एलियन मेरी बात सुन, हमें कैसे भी करके यहाँ पे कोई प्लान बनाना पड़ेगा क्योंकि वो आर्मी वाले बहुत सारे हैं और हम बस दो हैं। लेकिन एक सेकंड गाइस यार, हमारा स्टीव कब काम आएगा? वो भी तो हमारा इतना अच्छा दोस्त है। हम लोगों ने स्टीव की इतनी सारी हेल्प करी है, आज हमारी बारी है, वो हमारी हेल्प जरूर करेगा। गाइस एक काम करते हैं, हम लोग जल्दी से अपने स्टीव के गांव में चलते हैं। और स्टीव तो इतना ज्यादा ताकतवर है, वो तो आर्मी वालों को चुटकियों में हरा देगा। अरे ये क्या गाइस यार, ये बारिश भी अभी आनी थी। यहाँ पे तो मेरी कार के टायर स्लिप हो रहे हैं। ऐसे तो मुझे स्टीव के गांव जाने में बहुत टाइम लग जाएगा और वहाँ पे हमारा शिनचैन और बाकी के एलियंस उन आर्मी वालों के कब्जे में है। गाइस वो आर्मी वाले बहुत ज्यादा खतरनाक है, वो अपने शिनचैन के साथ कुछ भी कर सकते हैं। अरे जवानों जल्दी सामने देखो, हमारी लेबोरेटरी आ चुकी है। अब इन सारे के सारे एलियंस को हमारी लैब के अंदर रख दो। हमने कब से इस दिन का इंतजार करा था कि ये रॉकेट अपनी अर्थ के अंदर आएगा और इन सारे के सारे एलियंस को हम अपनी लैब में ले आएंगे और इन सभी को मार के इनके ऊपर रिसर्च करेंगे। अरे बस बस, सारे के सारे ट्रक यहीं पे रोक लो। अब हमें जल्दी से इन सारे के सारे एलियंस को अपनी लैब के अंदर रखना पड़ेगा। अरे आर्मी वाले अंकल, हमको छोड़ दो यार, हमने कुछ नहीं करा। ये सारे एलियंस बेकसूर है, इन्हें वापिस जाने दो। बदले में चाहे आप मेरे साथ कुछ भी कर लो, लेकिन इन सभी एलियंस को छोड़ दो। अरे मुझे सब पता है, तू इनका बॉस है। ना मैं तुझे जाने दूंगा और ना मैं इन सभी को जाने दूंगा। अरे साइंटिस्ट देख क्या रहे हो, जल्दी से इन सभी को ऊपर लेके जाओ और इनको मार के इनके अंदर का डीएनए बाहर निकाल लो। अरे गाइस यार, लगता है कि हम सब के सब गए। अरे फैल्कन बाइक आ गई है, जल्दी बचाओ। तो गाइस यार, अगर आपको आज वाली वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपको इस वाली सीरीज का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताना। अब मिलेंगे अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।